मिला जो है वो सोलन में मनाई जा रही है। इसके लिए जानते हैं यहाँ के एक जाने माने कलाकार उदित उपाध्याय जी से, जो कि राम की भूमिका जो है उसमें निभाते हैं। तो आज डीसी साहब ने भी दौरा किया सर, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए अनिल जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप हमेशा बसोली की जो पॉजिटिव खबरें होती हैं उनको दिखाने में अपना पूरा 100% योगदान देते हैं। तो बात ऐसी है कि आज डीसी साहब का दौरा हुआ है इधर का, और ग्राउंड का उन्होंने पूरा मुआयना भी किया, साथ ही साथ तालाब का और जिन जिन स्थानों पर जो जो सुविधाएं इस रामलीला के दौरान दी जाएंगी वो सभी जो सुविधाएं हैं वो सारी उनका एक बार निरीक्षण किया उन्होंने। और अगर आप देखेंगे इस ग्राउंड में तैयारियां तो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पे पेंट का काम, अभी रंग रोगन का काम चल रहा है, और बाकी जो ग्राउंड है वो लगभग प्रिपेयर कर दिया गया है नवरात्रा फेस्टिवल के लिए। साथ ही साथ इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली यूटी गवर्नमेंट, जिसमें हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल, उनका बहुत बड़ा योगदान है, माननीय डीपकॉम साहब और डीसी साहब रेगुलर इसका प्लान आउट कर रहे हैं, चाक आउट कर रहे हैं, और इस बार एक अच्छे लेवल का इवेंट यहाँ करने को वो करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे उनके जो पूरा रोड मैप जो उन्होंने इस फेस्टिवल का बनाया है उसमें कुछ बातें जो हमें पता लगी हैं और हमारी समझ में आई हैं वो ये हैं कि इसमें यहाँ पे लेज़र शो होंगे। लेज़र शो में रामायण का प्रेडिक्शन किया जाएगा, रामायण को दिखाया जाएगा, रामायण को लोगों के सामने लेज़र के माध्यम से भी दिखाया जाएगा, जो कि शो शाम को होंगे। और बाकी उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर हमारे महलों में आर्ट एंड क्राफ्ट की पूरी वर्कशॉप्स लगेंगी और पेंटिंग की एग्जीबिशंस टाइप यहाँ पे महलों में लगेंगी। महलों के साथ साथ आप देखें तालाब का एरिया भी पूरा कवर किया जाएगा, तालाब के एरिया में भी कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलती रहेंगी, और यहाँ पे भी एक सेंट्रल स्टेज बनेगी जिसमें हमारे लोकल आर्टिस्ट सभी परफॉर्म करेंगे। और सभी आर्टिस्ट इसमें जितने भी बनी बसोली, जितने भी पूरे क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के आर्टिस्ट हैं, वो सभी आके यहाँ परफॉर्म करेंगे। आर्ट एंड कल्चर वाले यहाँ पर आके परफॉर्म करने वाले हैं, और एक अच्छे लेवल का प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अटल सेतु से लेके पुर्थू तक ये इवेंट्स चलेंगे, और ज़ीरो मोड को भी इसमें कवर किया जाएगा, जिसमें प्रदर्शनी हमारे जितने भी जो कारीगर हैं वो अपना आर्ट यहाँ दिखाएंगे। और साथ ही साथ जब हम बात करें अटल सेतु की, तो अटल सेतु पे एक अच्छा एक एंट्रेंस बनाया जाएगा लाइट्स के साथ, एक अच्छा डेकोरेटिव, वो जैसा कि आज डीसी साहब ने दौरा भी किया है, और हमें अपेक्षा है कि आगे ये सब जो चीज़ें हैं ये रोड मैप ज़मीन पे उतरेगा और लोगों को इस बार रामलीला में नवीनीकरण थोड़ा और अच्छा देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात करें रामलीला की, रामलीला में कोई चेंज नहीं आएगी। रामलीला क्लब जिस प्रकार से काम करता है, रामलीला जिस प्रकार से चलती है, उसी प्रकार से अपने समय पे, तय समय पे चलेगी और तय समय पर ख़त्म होगी। और जिस प्रकार के सीन किए जाते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर जो है कलाकार तैयारी भी कर रहे हैं, और उसको लोगों के बीच में लेके आने के लिए पूरा प्रयास अच्छे से किया जा रहा है। जय श्री राम। भगवान इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करवाएं, और ये कार्य आगे भी गत वर्षों में और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और यहाँ पे अच्छे अच्छे इवेंट्स आपको देखने को मिले, और आने वाले टाइम में रामलीला का नाम और ऊंचा बने। हम इसी प्रार्थना से भगवान महादेव के आगे यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हैं वाइस प्रेसिडेंट रामलीला के बसोली के श्री वेद नायर जी, सर आपका स्वागत है। जैसा कि रामलीला को चलते यहाँ पर बहुत सी तैयारियाँ की जा रही हैं, डीसी साहब ने दौरा भी किया, आप क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? रामलीला जो है पुराने अपने जो कल्चर है जितना भी है वो ऐसे चलेगा, मतलब 112 साल की रामलीला है उसमें कोई चेंज नहीं है। इसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, बस सारा दिन जो इधर कल्चरल प्रोग्राम हो गए, मतलब गवर्नर साहब का भी है, मतलब डीपकॉम ने, डीसी साहब ने, एडीसी साहब ने, सब ने इसका मतलब मेला को शो कर रहे हैं। इसमें दिन को सारे प्रोग्राम होंगे रामलीला ग्राउंड में, और पुर्थू में भी होंगे, अटल सेतु पर, मतलब हर जगह बैसाखी ग्राउंड भी है इन्होंने रखा है, बैसाखी ग्राउंड में प्रोग्राम, महलों पर भी आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम है। इस बार जो है काफ़ी चेंज जो है ना, गवर्नमेंट जो है काफ़ी हमारी मदद कर रही है रामलीला को,
तो रामलीला के साथ साथ ये सारा ये प्रदर्शन जो है ना वो देखने को आएगी। इस बार जो जितना भी रामलीला का ग्राउंड था वो हमने खाली किया है, इसलिए किया है कि लोग जो काफ़ी लोग बाहर से आते हैं उनको खड़े रहने की जगह नहीं थी, इसलिए हम रोले वगैरह हमने जो शिफ्ट कर दिए हैं। तो हम इस फंक्शन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, रामलीला ग्राउंड की पूरी तैयारी कर दी है, पेंट शेंट जितना भी सब तैयार है, और लोगों को हम निमंत्रण कर रहे हैं वो इस रामलीला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इस जय श्री राम।